किस्मत चुगताई का अफसाना दो हाथ। राम अवतार लामपर से वापस आ रहा था। बूढ़ी मेहतरानी अब्बा मियाँ से चिट्ठी पढ़वाने आई थी। राम अवतार को छुट्टी मिल गई थी, जंग खत्म हो गई थी ना, इसीलिए राम अवतार 3 साल बाद वापस आ रहा था। बूढ़ी मेहतरानी की चीपड़ भरी आंखों में आंसू टिमटिमा रहे थे। मारे शुक्रगुजारी के वो दौड़ दौड़ कर सबके पांव छू रही थी, जैसे इन पैरों के मालिकों ने ही उसका इकलौता पूत लाम से जिंदा सलामत मंगवा लिया। बुढ़िया 50 बरस की होगी मगर 70 की मालूम होती थी। 10-12 कच्चे पक्के बच्चे जने, उनमें बस राम अवतार बड़ी मन्नतों मुरादों से जिया था। अभी उसकी शादी रचाए साल भर भी नहीं बीता था कि राम अवतार की पुकार आ गई। मेहतरानी ने बहुत वावेला मचाया मगर कुछ न चली, और जब राम अवतार वर्दी पहनकर आखिरी बार उसके पैर छूने आया तो उसकी शान और शौकत से बे इंतहा मरूब हुई, जैसे वो कर्नल ही तो हो गया था। शागिर्द पेशे में नौकर मुस्कुरा रहे थे। राम अवतार के आने के बाद जो ड्रामा होने की उम्मीद थी, सब उसी पर आस लगाए बैठे थे। हालांकि राम अवतार लाम पर तो बंदूक छोड़ने नहीं गया था, फिर भी सिपाहियों का मैला उठाते उठाते उसमें कुछ सिपाहियाना आन बान और अकड़ पैदा हो गई होगी। भूरी वर्दी डांट कर वो पुराना राम अवतरवा कतई ना रहा होगा। नामुमकिन है कि वो गौरी की करतूत सुने और उसका जवान खून हतक से खौल ना उठे। ब्याह कर आई तो कैसी मुसमुसी थी गौरी, जब तक राम अवतार रहा उसका घूंघट फुट भर लंबा रहा और किसी ने उसके रुख पर नूर का जलवा ना देखा। जब खसम गया तो क्या बिलक बिलक कर रोई थी, जैसे उसकी मांग का सिंदूर हमेशा के लिए उड़ रहा हो। थोड़े दिन रोई रोई आंखें लिए सर झुकाए मेले की टोकरी ढोती फिरी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके घूंघट की लंबाई कम होने लगी। कुछ लोगों का ख्याल है ये सारा वसंत ऋतु का किया धरा है। कुछ साफ गो कहते थे गोरी थी ही छिनाल, राम अवतार के जाते ही कयामत हो गई। कमबख्त हर वक्त ही हर वक्त ठलाना, कमर पर मेले की टोकरी रखकर कासे के कड़े छनकाती, जिधर से निकल जाती लोग बदहवास हो जाते। धोबी के हाथ से साबुन की बट्टी फिसल कर हौज में गिर जाती, बावर्ची की नजर तवे पर सुलगती हुई रोटी से उलट जाती, बहिश्ती का डोल कुएं में डूबता ही चला जाता, चपरासियों तक की बिला कलफ लगी पगड़ियां ढीली होकर गर्दन में झूलने लगती, और जब ये सरापा कयामत घूंघट में से बाण फेंकती गुजर जाती तो पूरा शागिर्द पेशा एक बेजान लाश की तरह सकते में रह जाता। फिर एकदम चौंक कर वो एक दूसरे की दुर्गत पर तानाजनी करने लगते। धोबिन मारे गुस्से के कलफ की कुंडी लौट देती, चपरासन छाती से चिमटे लौंडे को बेबात जख्मों के जड़ने लगती, और बावर्ची की तीसरी बीवी पर हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाता। नाम की गोरी थी पर कमबख्त सिया बहुत थी, जैसे उल्टे तवे पर किसी फावड़िया ने पराठे मलकर चमकता हुआ छोड़ दिया हो। चौड़ी फुकना सी नाक, फैला हुआ दहाना, दांत मांजने का उसकी सात पुश्तों ने फैशन ही छोड़ दिया था। आंखों में पोटे काजल थोपने के बाद भी दाई आंख का भेंगापन ओझल ना हो सका, फिर भी टेढ़ी आंखों से न जाने कैसे जहर में बुझे तीर फेंकती थी कि निशाने पर बैठ ही जाते थे। कमर भी लचकदार ना थी, खासी कठलक सी थी, झूठन खा खा कर दुम्बा हो रही थी। चौड़े भैंस के से खुर जिधर से निकल जाती कड़वे तेल की सलाम छोड़ जाती। हाँ, आवाज में बला की कूक थी, तीज त्योहार पर लहक कर कजरियां गाती तो उसकी आवाज सबसे ऊंची लहराती चली जाती। बुढ़िया मेहतरानी यानी उसकी सास बेटे के जाते ही इस तरह बदगुमान हो गई, बैठे बिठाए एहतियातन गालियां देती, इस पर नजर रखने के लिए पीछे पीछे फिरती, मगर बुढ़िया अब टूट चुकी थी। 40 बरस मैला ढोने से इसकी कमर मुस्तकिल तौर पर एक तरफ लचक कर वहीं खत्म हो गई थी। हमारी पुरानी मेहतरानी थी, हम लोगों के अनोल नाल उसी ने गाड़े थे। जो ही अम्मा के दर्द लगते मेहतरानी दहलीज पर आकर बैठ जाती और बाज वक्त लेडी डॉक्टर तक को निहायत मुफीद हिदायतें देती, बलात को दफा करने के लिए कुछ मंत्र तावीज भी लाकर पट्टी से बांध देती। मेहतरानी की घर में खासी बुजुर्गाना हैसियत थी।
इतनी लाडली मेहतरानी की बहू यकायक लोगों की आंखों में कांटा बन गई। चपरासन और बावर्चन की तो और बात थी, हमारी अच्छी भली भावजों का माथा उसे इटलाते देखकर ठनक जाता। अगर वो इस कमरे में झाड़ू देने जाती जिसमें उनके मियाँ होते, तो वो हड़बड़ा कर दूध पीते बच्चे के मुंह से छाती छीन कर भागती कि कहीं वो डाइन उनके शाहरों पर टूना टोटका ना कर रही हो। गोरी क्या थी, बस एक मरखाना लंबे लंबे सींगों वाला बाजार था कि जो छूटा फिरता था। लोग अपने कांच के बर्तन भाड़े दोनों हाथों से समेट कर कलेजे से लगा कर रखते थे, और जब हालात ने नाजुक सूरत पकड़ ली तो शागिर्द पेशे की महिलाओं का एक बाकायदा वफद अम्मा के दरबार में हाजिर हुआ। बड़े जोर शोर से खतरा और इसके खौफनाक नताइज पर बहस हुई। पति रक्षा की एक कमेटी बनाई गई जिसमें सब भावजों ने शुद्धमत से वोट दिए और अम्मा को सदर एजाजी का ओहदा सौंपा गया। सारी खवातीन हस्बे मरातिब जमीन पीढ़ियों और पलंग की अदवाइन पर बैठी, पान के टुकड़े तकसीम हुए और बुढ़िया को बुलाया गया। निहायत इत्मीनान से बच्चों के मुंह में दूध देकर सभा में खामोशी कायम की गई और मुकदमा पेश हुआ। क्यों रे चुड़ैल, तूने बहु कतामा को छूट दे रखी है कि हमारी छातियों पे कोदू दले? इरादा क्या है तेरा, मुंह काला कराएगी? मेहतरानी तो भरी ही बैठी थी, फूट पड़ी। क्या करूं बेगम साहब, हराम खोर को चार चोट की मार भई दी, रोटी भी खाने को ना दिए, पर रान तो मेरे बस की ही नहीं। अरे रोटी की क्या कमी है उसे, बावर्चन ने ईटा फेंका। सहारनपुर की खानदानी बावर्चन और फिर तीसरी बीवी, क्या तेहा था, अल्लाह की पना। फिर चपरासन, टालन और धोबी ने मुकदमे को और संगीन बना दिया। बेचारी मेहतरानी बैठी सबकी लताड़ सुनती और अपनी खारिज जदा पिंडलियां खुजलाती रही। बेगम साहिबा, आप जैसी बताओ वैसे करने से मोए न थोड़ी, पर का करूं, रान का टेटवा दबाए दो। अम्मा ने राय दी, मुई को मैं के फिकवा दो। ए बेगम साहब, कहीं ऐसा हो सके है? मेहतरानी ने बताया कि बहू मुफ्त नहीं आई है, सारी उम्र की कमाई पूरे 200 झोंके हैं तब मुस्टंडी हाथ आई है। इतने पैसों में तो गाय आ जाती, मजे से भर कलसी दूध देती, पर ये रान तो दुलतियां ही देती है। अगर इसे मैके भेज दिया तो इसका बाप उसे फौरन दूसरे मेहतर के हाथ बेच देगा। बहू सिर्फ बेटे के बिस्तर की जीनत ही तो नहीं, दो हाथ वाली है, पर चार आदमियों का काम निपटाती है। राम अवतार के जाने के बाद बुढ़िया से इतना काम क्या संभलता। तो बुढ़ापा बहू के हाथों के सदके ही बीत रहा था। महिलाएं कोई नासमझ ना थी, मामला इखलाकियात से हटकर इक्तसादियात पर आ गया था। वाकई बहू का वजूद बुढ़िया के लिए लाजमी था। 200 रुपए का माल किसका दिल है कि फेंक दे। इन 200 के अलावा ब्याह पर जो बनिए से लेकर खर्च किया था, जजमान खिलाए थे, बिरादरी को राजी किया था, ये सारा खर्चा कहाँ से आएगा? राम अवतार को जो तनख्वाह मिलती थी वो सारी उधार में डूब जाती थी। ऐसी मोटी ताजी बहू अब तो 400 से कम में ना मिलेगी। पूरी कोठी की सफाई के बाद और आसपास की चार कोठियां निपटाती है। रान काम में चौकस है वैसे, फिर भी अम्मा ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर इस लुच्ची का जल्द अज जल्द कोई इंतजाम ना किया गया तो कोठी के अहाते में नहीं रहने दिया जाएगा। बुढ़िया ने बहुत वावेला मचाया और जाकर बहू को मुंह भर गालियां दी, झोटे पकड़कर मारा पीटा भी। बहू उसकी जरखरीद थी, पिटती रही, बड़बड़ाती रही और दूसरे दिन इंतकामन सारे अमले की धज्जियां बिखेर दी। बावर्ची और बहिश्ती, धोबी और चपरासियों ने तो अपनी बीवियों की मरम्मत की, यहाँ तक कि बहू के मामले पर मेरी मुहज्जिब भाभियों और शरीफ भाइयों में भी खटपट हो गई और भाभियों के मैके तार जाने लगे। गरज बहू हरे भरे खानदान के लिए सुई का कांटा बन गई। मगर दो चार दिन के बाद बूढ़ी मेहतरानी के देवर का लड़का रतिराम अपनी ताई से मिलने आया और वहीं रह पड़ा। दो चार कोठियों में काम बढ़ गया था सो वो भी उसने संभाल लिया। अपने गांव में आवारा ही तो घूमता था। उसकी बहू अभी नाबालिग थी इसलिए गौना नहीं हुआ था। रतिराम के आते ही मौसम एकदम लोट पोट कर बिल्कुल ही बदल गया, जैसे घंघोर घटाएं हवा के झोंके के साथ तितर बितर हो गईं। बहू के कहकहे खामोश हो गए, कासे के कड़े गूंगे हो गए और जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाए तो वो चुपचाप झूलने लगा।
ऐसे बहू का घूंघट झूलते झूलते नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अब वो बजाय बेनत्था बैल के निहायत शर्मीली बहू बन गई। जुमला महिलाओं ने इत्मीनान की सांस ली। स्टाफ के मर्द उसे छेड़ते भी तो वो छुई मुई की तरह लजा जाती और ज्यादातर वो घूंघट में से भेंगी आंखों को तिरछा करके रतिराम की तरफ देखती, जो फौरन बाजू खुजलाता सामने आकर डट जाता। बुढ़िया पुरसुकून अंदाज में दहलीज पर बैठी अधखुली आंखों से ये तरबिया ड्रामा देखती और गुड़गुड़ी पिया करती। चारों तरफ ठंडा ठंडा सुकून छा गया था, जैसे फोड़े का मवाद निकल गया हो। मगर अब के बहू के खिलाफ एक नया महाज कायम हो गया। वो अमले की मर्द जाति पर मुश्तमिल था। बात बेबात बावर्ची जो उसे पराठे तल कर दिया करता था, कोंडी साफ न करने पर गालियां देता। धोबी को शिकायत थी कि वो कलफ लगा कपड़ा रस्सी पर डालता है तो ये हरामजादी खाक उड़ाने आ जाती है। चपरासी मर्दाने में 10-10 मर्तबा झाड़ू दिलवाते, फिर भी वहां की गलाजत का रोना रोते रहते। पहिश्ती जो उसके हाथ धुलाने के लिए कई मुश्के तैयार रखता था, अब घंटों सहन में छिड़काव करने को कहती मगर टालता रहता, ताकि वो सूखी जमीन पर झाड़ू दे तो चपरासी गर्द उड़ाने के जुर्म में उसे गालियां दे सके। मगर बहू सर झुकाए सबकी डांट फटकार एक कान से सुनती, दूसरे से उड़ा देती। न जाने सास से जाकर क्या कह देती कि वो काए काए करके सबका भेजा चाटने लगती। अब उसकी नजर में बहू निहायत पारसा और नेक हो चुकी थी। फिर एक दिन दाढ़ी वाले दरोगा जी, जो तमाम नौकरों के सरदार थे और अब्बा के खास मुशीर समझे जाते थे, अब्बा के हुजूर में दस्तबस्ता हाजिर हुए और इस भयानक बदमाशी और गलाजत का रोना रोने लगे, जो बहू और रतिराम के नाजायज ताल्लुकात से सारे शागिर्द पेशे को गंदा कर रही थी। अब्बा जी ने मामला सेशन कोर्ट के सुपुर्द कर दिया, यानी अम्मा को पकड़ा दिया। महिलाओं की सभा फिर से सजी, बुढ़िया को बुलाकर उसके लत्ते लिए गए। अरे निगोड़ी, खबर भी है, ये तेरी बहू कतामा क्या गुल खिला रही है? मेहतरानी ने ऐसे चंद्राकर देखा जैसे कुछ नहीं समझती गरीब कि किसका जिक्र हो रहा है। और जब उसे साफ साफ बताया गया कि चश्मदीद गवाहों का कहना है कि बहू और रतिराम के ताल्लुकात नाजेबा हद तक खराब हो चुके हैं, दोनों बहुत ही काबिले एतराज हालतों में पकड़े गए हैं, तो इस पर बुढ़िया बजाय अपनी बेहतरी चाहने वालों का शुक्रिया अदा करने के बहुत चराग पा हुई। बड़ा वावेला मचाने लगी कि राम अवतरवा होता तो उन लोगों की खबर लेता जो उसकी मासूम बहू पर तोहमत लगाते हैं। बहु निगोड़ी तो अब चुपचाप राम अवतार की याद में आंसू बहाया करती है, काम काज भी जान तोड़कर करती है, किसी को शिकायत नहीं होती, ठिठोल भी नहीं करती। लोग उसके नाहक दुश्मन हो गए हैं। बहुत समझाया मगर वो मातम करने लगी कि सारी दुनिया उसकी जान की लागू हो गई है। आखिर बुढ़िया और उसकी मासूम बहू ने लोगों का क्या बिगाड़ा है? वो तो किसी के लेने में न देने में, वो तो सबकी राजदार है। आज तक उसने किसी का भांडा नहीं फोड़ा, उसे क्या जरूरत है जो किसी के फटे में पैर अड़ाती फिरे। कोठियों के पिछवाड़े क्या नहीं होता, मेहतरानी से किसी का मैला नहीं छुपता। इन बूढ़े हाथों ने बड़े बड़े लोगों के गुनाह दफन किए हैं। ये दो हाथ चाहें तो रानियों के तख्त उलट दें, पर नहीं, उसे किसी से बुक्स नहीं। अगर उसकी गले में छुरी दबाई गई तो शायद गलती हो जाए, वैसे वो किसी के राज अपने बूढ़े कलेजे से बाहर नहीं निकलने देगी। उसका तेहा देखकर फौरन छुरी दबाने वाले हाथ ढीले पड़ गए। सारी महिलाएं उसकी पच करने लगी। बहू कुछ भी करती थी, उनके अपने किले तो महफूज थे, तो फिर शिकायत कैसी। फिर कुछ दिन हुए, बहू के इश्क का चर्चा कम होने लगा, लोग कुछ भूलने लगे। ताड़ने वालों ने ताड़ लिया कि दाल में कुछ काला है। बहू का भारी भरकम जिस्म भी दाल के काले को ज्यादा दिन छिपा न सका और लोग शदोमद बुढ़िया को समझाने लगे। मगर इस नए मौजू पर बुढ़िया बिल्कुल उड़न घाइयां बताने लगी, बिल्कुल ऐसे बन जाती जैसे एकदम ऊंचा सुनने लगी है। अब वो ज्यादातर खाट पर लेटी बहू और रतिराम पर हुक्म चलाया करती। कभी खांसती छींकती बाहर धूप में आ बैठती तो दोनों उसकी ऐसी देखरेख करते जैसे वो कोई पटरानी हो। भले बीवियों ने उसे समझाया, रतिराम का मुंह काला करो और इससे पहले कि राम अवतार लौट आए बहू का इलाज करवा डाल। वो खुद इस फन में माहिर थी, 2 दिन में सफाई हो सकती थी, मगर बुढ़िया ने कुछ समझ कर ही ना किया।
बिल्कुल, इधर उधर की शिकायतें करने लगी कि उसके घुटनों में पहले से ज्यादा ऐठन होती है। नेस कोठियों में लोग बहुत ही ज्यादा बादी चीजें खाने लगे हैं, किसी न किसी कोठी में दस्त लगे ही रहते हैं। इसके टाल मटोर पर नासहीन जल कर मरुंडा हो गए। माना कि बहु औरत जात है, नादान है, भोली बड़ी शरीफ सादियों से खता हो जाती है, लेकिन उनकी आला खानदान की मौजिज सासें यूं कान में तेल डालकर नहीं बैठ जाती। पर न जाने ये बुढ़िया क्यों सठिया गई थी। जिस बला को वो आसानी से कोठी के कूड़े की तह में दफन कर सकती थी, उसे आंख मीचे पलने दे रही थी। राम अवतार के आने का इंतजार था, हर वक्त की धमकियां तो देती रहती थी। आन दे राम अतरवा का कहंगी, तोरी हड्डी पसली एक कर दे। और अब राम अवतार लाम से जिंदा सलामत वापस आ रहा था। फिजा ने सांस रोक ली थी, लोग एक मुहिब हंगामे के इंतजार में थे। मगर लोगों को कोफ तब हुई जब बहू ने लौंडा जना, बजाय उसे जहर देने के बुढ़िया की मारे खुशी के बाछे खिल गईं। राम अवतार के जाने के 2 साल बाद पोता होने पर कतई मुताज्जुब ना थी। घर घर फटे पुराने कपड़े और बधाई समेटते फिरी। उसका भला चाहने वालों ने उसे हिसाब लगाकर बहुतेरा समझाया कि ये लौंडा राम अवतार का हो ही नहीं सकता, मगर बुढ़िया ने कतई समझकर ना कर दी। उसका कहना था कि औसाढ़ में राम अवतार लाम पे गया, इसी महीने बुढ़िया पीली कोठी में नए अंग्रेजी वजह के संडास में गिर पड़ी थी। अब चैत लग रहा है और जेठ के महीने में बुढ़िया को लू लगी थी, मगर बाल बाल बच गई थी। जभी से उसके घुटनों का दर्द बढ़ गया। वैद्य जी पूरे हरामी हैं, दवाएं खरिया मिलाकर देते हैं। इसके बाद वो बिल्कुल असल सवाल से हटकर खिलाओं की तरह ऑल फॉल बकने लगती। किसके दिमाग में इतना बूता था कि वो बात इस काइया बुढ़िया को समझाता जिसे ना समझने का वो फैसला कर चुकी थी। लौंडा पैदा हुआ तो उसने राम अवतार को चिट्ठी लिखवाई। राम अवतार को बात चुम्मा प्यार के मालूम हो, यहाँ पर सब कुशल है और तुम्हारी कुशलता भगवान से नेक चाहते हैं, और तुम्हारे घर में पूत पैदा हुआ है, सो इस खत को तार समझो और जल्दी से आ जाओ। लोग समझते थे कि राम अवतार जरूर चराग्पा होगा, मगर सबकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई जब राम अवतार का मसरत से लबरेज खत आया कि वो लौंडे के लिए मोजे और बनियाइन ला रहा है। बुढ़िया पोते के घुटने पर लिटाए खाट पर बैठी राज किया करती, भला इससे ज्यादा हसीन बुढ़ापा क्या होगा। सारी कोठियों का काम तुरत फुरत हो रहा है, महाजन का सूद पाबंदी से चुक रहा है, घुटने पर पोता सो रहा है। खैर, लोगों ने सोचा राम अवतार आएगा, असलियत मालूम होगी, तब देख लिया जाएगा, और राम अवतार जंग जीत कर आ रहा था। आखिर को सिपाही है, क्यों ना खून खोलेगा। लोगों के दिल धड़क रहे थे। शागिर्द पेशे की फिजा, जो बहू की तोता चश्मे की वजह से सो गई थी, 2-4 खून होने और नाके कटने की आस में जाग उठी। लौंडा साल भर का होगा जब राम अवतार लौटा। शागिर्द पेशे में खलबली मच गई। बावर्ची ने हांडी में ढेर सा पानी झोंक दिया ताकि इत्मीनान से पिटने का लुत्फ उठाए। धोबी ने कलफ का बर्तन उतार कर मुंडेर पर रख दिया और बहिश्ती ने डोल कुएं के पास पटक दिया। राम अवतार को देखते ही बुढ़िया उसकी कमर से लिपट कर चिंघाड़ने लगी, मगर दूसरे लम्हे खीसे काढ़े लौंडे को राम अवतार की गोद में देकर ऐसे हंसने लगी जैसे कभी रोई ही ना हो। राम अवतार लौंडे को देखकर ऐसा शर्माने लगा जैसे वही उसका बाप हो। झटपट उसने संदूक खोला और सामान निकालना शुरू किया। लोग समझे खकरी या चाकू निकाल रहा है, मगर जब उसने इसमें लाल बनियाइन और पीले मोजे निकाले तो सारे अमले की कुव्वते मर्दाना पर जरब कारी लगी। हद तेरे की, साला सिपाही बनता है, हिजड़ा है जमाने भर का। और बहु सिमटी सिमटाई जैसे नई नवेली दुल्हन कांसे की थाली में पानी भरकर राम अवतार के बदबूदार फौजी बूट उतारकर उसके चरण धोकर पीने लगी। लोगों ने राम अवतार को समझाया, फप्तियां कसी, उसे गाउदी कहा, मगर वो गाउदी की तरह खीसे काढ़े हंसता रहा जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो। रति राम का गौना होने वाला था, सो वो चला गया। राम अवतार की इस हरकत पर ताज्जुब से ज्यादा लोगों को गुस्सा आया। हमारे अब्बा, जो आम तौर पर नौकरों की बातों में दिलचस्पी नहीं लिया करते थे, वो जज्ब जज हो गए। अपनी सारी कानूनदानी का दांव लगाकर राम अवतार को कायल करने पर तुल गए। क्यों बे, तू तो 3 साल बाद लौटा है ना? मालूम नहीं हुजूर।
थोड़ा कम ज्यादा इतना ही रहा होगा, और तेरा लौंडा साल भर का है। इतना ही लागे है सरकार, पर बड़ा बदमाश है ससुर। राम अवतार शर्माए, अबे तू हिसाब लगा ले। हिसाब का लगाऊं सरकार, राम अवतार ने मरघुली आवाज में कहा। उल्लू के पट्टे ये हुआ कैसे? अब जे मैं कहा जानू सरकार, भगवान की देन है, भगवान की देन तेरा सर, ये लौंडा तेरा हो ही नहीं सकता। अब्बा ने उसे चारों ओर से घेर कर कायल करना चाहा कि लौंडा हरामी है, तो वो कुछ कायल सा हो गया, फिर मरी हुई आवाज में अहमकों की तरह बोला, तो अब क्या करूं सरकार, हरामजादी को मैंने बड़ी मार दी। वो गुस्से से बिफर कर बोला, अबे नीरा उल्लू का पट्टा है तू, निकाल बाहर क्यों नहीं करता कमबख्त को? नहीं सरकार, कहीं ऐसा हो सके है, राम अवतार घिघियाने लगा। क्यों बे? हुजूर 250-300 फिर सगाई के लिए कहां से लाऊंगा, और बिरादरी जमाने में 200 अलग खर्च हो जाएंगे। क्यों बे, तुझे बिरादरी क्यों खिलानी पड़ेगी? बहू की बदमाशी का तावान क्यों तुझे क्यों भुगतना पड़ेगा? जय मैं ना जानू सरकार, हमारे वहां ऐसा ही हुए है, मगर लौंडा तेरा नहीं राम अवतार, इस हरामी रति राम का है, अब्बा ने आजिज आकर समझाया। तो क्या हुआ सरकार, मेरा भाई ही तो है रति राम, कोई गैर नहीं है, अपना ही खून है, निरा उल्लू का पट्टा है, अब्बा भुन्ना उठे। सरकार लौंडा बड़ा हो जावेगा, अपना काम समेटेगा, राम अवतार ने गिड़गिड़ा कर समझाया। वो दो हाथ लगाएगा सो अपना बुढ़ापा भी पार हो जाएगा। निदामत से राम अवतार का सर झुक गया, और न जाने क्यों एकदम राम अवतार के साथ अब्बा का सर भी झुक गया, जैसे उनके जहन पर लाखों करोड़ों हाथ छा गए। ये हाथ हरामी हैं ना हलाली, ये तो बस जीते जागते हाथ हैं जो दुनिया के चेहरे से गलाजत धो रहे हैं, उसके बुढ़ापे का बोझ उठा रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने मिट्टी में लुथड़े हुए सिया हाथ धरती की मांग में सिंदूर सजा रहे हैं।